डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना आज आराम कर रहे हैं। रामू कौन है? रामू तो मैं काम करूं, हरिया मास्टर जी करण सिंह दिलावर और जोगिंदर को जल्दी बुला कर लेकर आओ। जाओ। क्या करें मुखिया जी, खेती तो घाटे का सौदा हो गई है जी। हाँ भाई, पिछली बार तो धान की फसल का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाया। अब तो समझ में नहीं आता जी, क्या बोए क्या नहीं बोए। मुखिया जी अब तो ऐसा मन कर रहा है जमीन बेच कर शहर में छोटा मोटा कोई काम कर रहे। अरे भाइयों थोड़ा धैर्य रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हमें बस थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा और हमें इन दूसरे किसानों की तरह भेड़ चाल में शामिल ना होकर के कुछ ना कुछ अलग करना होगा। अरे वो देखो मास्टर जी, पिछले साल इनकी फसल में बहुत मुनाफा हुआ था, चलो इनसे कोई ना कोई सलाह लेते हैं। मास्टर जी राम राम। अरे राम राम मुखिया जी, राम राम। अरे मास्टर जी दूर दूर कैसे जा रहे हो, कभी हमारी भी खबर ले लिया करो। नहीं नहीं, बस थोड़ा जल्दी में हूँ, शहर जा रहा हूँ, अगली फसल की बिजाई करनी है, उसी सिलसिले में सलाह लेने जा रहा हूँ शहर। अरे मास्टर जी फसलों को लेकर हम भी बहुत परेशान हैं, कभी हमें भी सलाह दे दिया करो। मास्टर जी अगर बुरा ना मानो तो हम भी आपके साथ चलें। अरे नेकी और पूछ पूछ भाई, मुझे कौन सा अपनी गोद में बैठा के ले जाना है भाई। मुखिया जी आज मैं आपको उस जगह पर लेके जाऊंगा जहां आपको खेती से संबंधित सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। चलो। अच्छा जी राम राम, चलो। किसान भाइयों ये सच है कि आज खेती थोड़ी मुश्किल हो गई, लेकिन ये मुश्किल उन्हीं लोगों के लिए है जो समझदारी से काम नहीं लेते और अपने घर पर तैयार बीज ही अपने खेतों में बोते हैं। यह अनुपचारित बीज शुरू में ही बीमारियों को पकड़ लेता है और पैदावार भी कम देता है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम अच्छी कंपनी का उपचारित एवं संशोधित बीज ही अपने खेतों में बोएं। डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए, अगर हम धान लगाएं तो कौन सी कंपनी का बीज बोएं? देखिए हमें ऐसी कंपनी का धान अपने खेतों में बोना चाहिए जो कि अनुसंधान एवं विकास द्वारा बीज तैयार करती है, ऐसी अनेकों कंपनियां, लेकिन मेरा सबसे बड़ा भरोसा है सुपर सीड्स पर। सुपर सीड्स? हाँ, 1988 में स्थापित सुपर सीड्स आज पूरे भारत में बीज उत्पादन कंपनियों में सबसे अग्रणीय कंपनी है। इसकी सभी फसलों के 200 से ज्यादा वैरायटी बरसों से किसानों को भा रही है। हिसार, अहमदाबाद और हैदराबाद स्थित कंपनी की तीन बड़ी इकाइयों में अनुसंधान एवं विकास द्वारा बीज तैयार किया जाता है। स्वस्थ एवं गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए बीज को अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांचा परखा जाता है और सभी कसौटियों पर खरा उतरने के बाद भी विशाल मार्केटिंग नेटवर्क के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए आज सभी प्रगतिशील किसान भरोसा करते हैं तो सिर्फ सुपर सीड्स। क्या बात। लेकिन डॉक्टर साहब सुपर सीड्स में धान की कौन कौन सी किस्में हैं? सुपर सीड्स द्वारा निर्मित धान की अनेकों किस्में हैं जिनकी समय और स्थान के आधार पर बिजाई की जा सकती है। डॉक्टर साहब आप जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं बताता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनना जी। अगर हम हाइब्रिड धान की बात करें तो सुपर सीड्स की तीन बेहतर किस्में हैं जो कि अपने निर्धारित समय पर बेहतर पैदावार देती है। सुपर 6699, अंजलि 1544 और सोनाक्षी 3370। सुपर 6699 130 से 135 दिन की वैरायटी है जिसका मध्यम मोटा दाना होता है, इसमें कल्लों की संख्या अधिक होती है और प्रत्येक कल्ले में बाली होती है। झुलसा रोग के प्रति सहनशील यह किस्म बंपर पैदावार देती है।
दूसरी किस्म अंजलि 1544 कम समय यानी 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना भी मध्यम मोटा होता है। कम समय अवधि की वैरायटी होने के कारण इस किस्म में पानी भी कम लगता है। अब बात करते हैं तीसरी किस्म सोनाक्षी 3370 की। यह किस्म मध्यम समय अवधि यानी 125 से 130 दिन की वैरायटी है, जिसका दाना मोटा होता है। इस किस्म के दानों का वजन अधिक होने से पैदावार भी अधिक मिलती है। इस वैरायटी के पौधों की बालियों में दानों की संख्या अधिक होती है। इन तीनों हाइब्रिड किस्मों की पैदावार अधिक होती है, इसकी प्रमाणिकता आप जैसे किसान भाइयों ने ही सिद्ध की है, वो देखिए। मैं श्री वासुदेव प्रसाद वर्मा, पिता श्री धनीराम वर्मा, ग्राम अरुई, पोस्ट सिद्धौर, जिला बाराबंकी, मैं यूपी का रहने वाला हूं। इस बार अपने खेत में हमने कुल 15 बीघे धान लगाया है, जिसमें से 8 बीघे 6699 धान लगाया है। हमने अपने 15 बीघे में 5 बोरी DAP, 4 यूरिया, 2 पोटाश, 4 सुपरफास्फेट डाली है और अन्य खाद इसमें 6699 में कोई भी नहीं डाली गई। इस धान में सबसे खास चीज़ यह है कि पैदावार भी अधिक है और कल्ले भी अधिक हैं अन्य धानों की तुलना में, और सिंचाई पताई जो की गई है अन्य धानों की तुलना में वही भी की गई है और धान गिरा नहीं है, दाने भी अधिक हैं, दाना मोटा भी है। मुझे फसल देखकर ये लग रहा है कि 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार आएगी। अगर किसान भाई ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो 6699 धान अगली बार जरूर लगाएं। मैं देशराज, पिताजी का नाम मुंशीराम, गांव जोड़ू, तहसील नाहन, सरमौर जिला नाहन, हिमाचल प्रदेश के रहने वाला हूँ। मैंने इस साल 8 किले धान लगाया अपने खेत में, जिसमें मैंने 4 किले अंजनी 1544 लगाया है। इमा फुटाव बहुत अच्छा आया और कम समय में फसल तैयार हुई इसकी। इसकी बाल बहुत लंबी है, दाना इसका बहुत वजनदार है। हमारे को फसल देखते हुए रहा भाई 34-35 क्विंटल का झाड़ देगा किला। किसान भाइयों को हम बोलते हैं भाई अंजलि 1544 लगाओ और ज़्यादा मुनाफा पाओ। मेरा नाम मोहम्मद आफाक, पिता का नाम श्री बराती, ग्राम अरुई, पोस्ट सिद्धौर, जिला बाराबंकी, यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने 3377 धान लगाया। इस धान में औरों की तुलना में कोई बीमारी नहीं लगती है। इसमें ज़्यादा कल्ले हैं, बाल लंबी है, दानों की संख्या ज़्यादा है। फसल से यह लगता है कि दूसरे धानों से डेढ़ी फसल पैदा होगी। मैं तो लगा ही रहा हूँ, अगर किसान ज़्यादा फायदा चाहते हो तो सोनाक्षी 3377 लगाए। भाई वाह डॉक्टर साहब, सुपर सीड की हाइब्रिड किस्में तो कमाल की है। सिर्फ हाइब्रिड किस्में ही नहीं बल्कि संशोधित किस्मों का भी कोई जवाब नहीं। अच्छा, वह कैसे? मुखिया जी, सुपर सीड्स की सभी संशोधित किस्मों जैसे सरस्वती, दिशा, विद्या एवं विद्या गोल्ड, प्रियंका, देविका, रूही आदि सभी किस्मों की अपनी अपनी खूबियां होती है। अब जैसे सरस्वती, दिशा और विद्या गोल्ड की बात करें तो इन किस्मों की पैदावार अधिक होती है और इनका बाजार में भाव भी अधिक होता है, जिससे किसान को ज्यादा मुनाफा मिलता है। जबकि प्रियंका वैरायटी के पौधों में कल्लों और बालियों की संख्या अधिक होती है और एक बाली में 400 से 450 दानों की संख्या होती है। इसका जीता जागता प्रमाण है ये किसान जिन्होंने पिछले साल इन किस्मों की बिजाई। राजेश कुमार पाल, ग्राम सभा कटवार, जिला जौनपुर, यूपी का रहने वाला। अब की बात 10 बीघा में धान लगाया हूँ। 2 बीघा में सरस्वती धान लगाया हूँ, इसमें खाद पानी बहुत कम दिया हूँ, बाकी धान में उससे मात्रा में ज़्यादा दिया। ये आप देख रहे हो उससे ज़्यादा हरा भरा है और बाकी उससे अच्छा धान है। ये पौधा भी ज़्यादा है और लंबाई भी ज़्यादा है, बाल भी एक बित्ते की है। इस पौधे में एक खासियत है, इसमें 12-13 पौधे हैं और उस पौधे में बराबर एक बित्ते की बाल निकली है और इसमें दाने भी वजनदार है और चमकदार भी है। फसल देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम 16-17 क्विंटल धान पैदा होगा। किसान भाई अगर ज़्यादा पैदा चाहते हैं सुपर सीड सरस्वती धान लगाएं और ज़्यादा मुनाफा पाइए। जी सर, मैं शिव प्रसाद कुशवाहा, पिता महेश कुशवाहा, ग्राम पंचायत सिमरिया, पोस्ट बकरा, थाना रायपुर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अब की बार अपने खेत में सुपर सीड कंपनी का विद्या गोल्ड धान लगाया है। इस पौधे की लंबाई लगभग 4-4.5 फीट है। इसमें कल्ले 14-15 के लगभग हैं।
इसमें बाली 9-10 इंच है और इसके दाने चमकदार और वजनदार हैं। इन साल फसल को देखते हुए हमें लगता है, हमारा अनुमान बता रहा है कि लगभग 17-18 क्विंटल बीघा के हिसाब से पैदावार आएगी। अगर किसान भाई को ज़्यादा पैदावार लेना हो तो सुपर सीड का विद्या गोल्ड ही लगाएं और ज़्यादा मुनाफा पाएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार शुक्ल, पिताजी का नाम श्री व्रतराज शुक्ल, गांव अमौली सोनभद्र। मैं सुपर सीड कंपनी की देविका धान की 3 साल से खेती कर रहा हूँ। इसकी औसत लंबाई का धान है। इसका पेड़ गिरता नहीं है, इसकी पैदावार भी अच्छी है और ये समय से खेत खाली कर देता है। इसकी बाली लगभग 1 बित्ता के आसपास है और इसमें कलों की संख्या 15 से 18 के बीच में है और मैं इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। दाने भी इसके चमकदार और बड़े होते हैं। रोग इसमें कोई नहीं लगता है क्योंकि मैं 3 साल से इसकी खेती किया हूँ, कभी कोई रोग नहीं लगा है। पानी कम लगता है क्योंकि ये जल्दी इसकी पैदावार हो जाती है। 3 साल से मैं इसकी पैदावार 1500 क्विंटल बीघा के हिसाब से ले रहा हूँ। किसान भाई अगर जल्दी में कोई धान अगर लगाना चाहे, अगर इसकी पैदावार ज़्यादा लेना चाहे तो सुपर सीड कंपनी का देविका धान लगा सकते हैं। मेरा नाम सुजीत कुमार दुबे, मैं ग्राम खरगीपुर जिला वाराणसी यूपी का रहने वाला हूँ। मैं सुपर सीड का विद्या धान 2 साल से लगा रहा हूँ। इसका बाली की लंबाई लंबी होती है और पौधे की लंबाई मध्यम होती है। इसका दाना चमकदार होता है और इसके पैदावार सबसे ज़्यादा है। फर्टिलाइजर की मात्रा इसमें बहुत कम लगती है और अन्य धानों की अपेक्षा रोग इसमें नहीं लगता है। रोग रोधी धान है और अन्य धानों की अपेक्षा पानी भी इसमें कम लगता है और पैदावार इसका 1.5 गुना है हर धानों की अपेक्षा। अगर किसान ज़्यादा मुनाफा पाना चाहता है तो सुपर सीड का विद्या धान लगाए और सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाए। क्यों भाइयों, हुई कुछ परेशानी दूर? जी हाँ डॉक्टर साहब, सुपर सीड्स में तो हमें अपना सुनहरा भविष्य नजर आने लगा है। अच्छा चलते हैं, राम राम। हाँ राम राम। और हाँ, आगे भी कोई परेशानी हो तो बेझिझक चले आना। अच्छा, जरूर जरूर। मुखिया जी, खैर सुख तो है? एकदम बुलावा, क्या खास बात है मुखिया जी? अरे बात खास ही है, और खास ही नहीं बल्कि खुशी की बात है। अच्छा जी, क्योंकि इस गांव की खुशी में आप सबका योगदान है तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये खुशी आप सबके सामने साझा की जाए। जी बिल्कुल, अब जल्दी कीजिए मुखिया जी, हमसे कहा नहीं जा रहा है। अरे मास्टर जी ये लो, सबसे पहले आप ही मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ, लाइए लाइए। क्योंकि आपकी वजह से हमारे गांव ने धान की फसल में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया है। और हाँ, डीएम साहब का लेटर आया है, बधाई दी है और कहा है कि अगली 15 तारीख को वो अपनी ग्राम पंचायत को अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। मुखिया जी, ये तो सुपर सीड का ही कमाल है। सच कह रहे हो भाई, सुपर सीड्स ने देश के किसानों को नई राह दिखाई है। अब खेतों में केवल सुपर सीड्स ही राज करेगा।